भाई और बहनों याद करिए जब मोदी सरकार में नहीं आया था तो देश की बड़ी आबादी जिसमें से अधिकतर दलित और पिछड़े हैं न उनके घर में शौचालय था न उनके घर में बिजली थी न गैस का कनेक्शन था और न ही बैंकों में खाता था जब बैंकों में खाते नहीं थे तो बैंकों से ऋण कैसे मिल पाता ऋण नहीं मिलता तो अपना कामकाज गरीब कैसे शुरू कर पाता हमने समाज की इस खाई को भी पाटने का प्रयास किया चौतीस हजार करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुलवाए और फिर मुद्रा योजना के तहत हर गरीब हर दलित हर वंचित हर पिछड़े के लिए बैंक की तिजोरी खोल दी भाई और बहनों वरना आपने ऐसी भी सरकार देखी है जिनके समय में गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने में घबराता था वही आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हम बैंकों को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं साथियों जहां हमें गरीबों तक बैंक ले जाने की चिंता है वहीं महा मिलावटी दलों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है इसी राजनीति की वजह से इन दलों ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया है बहुत अन्याय किया है याद करिए ये आपको बराबर याद है फिर भी मैं एक बार याद करा देता हूं याद करिए जहां सपा का वोट बैंक नहीं वहां सपा की सरकार बिजली देती थी क्या देते थे क्या जहां बसपा का वोट बैंक नहीं वहां बसपा की सरकार आती थी तो बिजली देते थे क्या भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे अकेले हम ही है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं। इस रास्ते पर जाकर भाइयों बहनों सपा बसपा ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की है आज सुपना साफ होने के डर से भले ही साथ आ गए हो लेकिन ये स्वार्थ का साथ है ऐसे ही साथ के लिए रहीम दास जी कह गए हैं कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग साथियों कुछ हफ्तों के लिए ही सही अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है